वेलकम बैक ऑन नेस्ट मोहन चैनल। दोस्तों मैं हूं रामकेश सिंह, यूनिटी गेम डेवलपर। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरह से विजुअल स्टूडियो के अंदर आप शॉर्टकट की मदद से बहुत सारे टास्क परफॉर्म करा सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके काम करने की स्पीड में काफ़ी सुधार आता है। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। और दोस्तों कुछ पार्ट्स में मैं आपको लेके आऊँगा, तो वीडियो को पूरी तरह से जरूर देखिए। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया सो प्लीज़ फॉलो मी मिस्टर आर के ब्लॉग गेम डेव, एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट माय ब्लॉगिंग चैनल मिस्टर आर के ब्लॉग गेम डेव। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो। सो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं 10 शॉर्टकट की जो विजुअल स्टूडियो के अंदर आप यूज़ करोगे, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी एंड स्पीड में काफ़ी सुधार आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 1, दैट इज़ द कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसका यूज़ हम लोग क्यों करेंगे? इसका यूज़ हम लोग करेंगे, लेट सपोज मान लीजिए आपके पास नेस्टेड इफ एल्स हो, या आपके पास बहुत सारे लूप यूज हुए हों और आपको पता करना हो कि कौन सा कर्ली ब्रेसेस छूट रहा है। तो इससे क्या होता है कि सपोज मान लीजिए इसका है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने कहाँ पे लगाया है और आपका कोई भी एरर शो हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो इसके लिए आपको जस्ट सिंपल, आप इस पर हॉवर करते हो, हॉवर करने के बाद आपको यूज़ करना है कंट्रोल एंड देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप देखोगे कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने से आप देखो किस तरह से हम लोग मूव कर पा रहे हैं, कि मेरा जो स्टार्टिंग है और जो मेरा एंडिंग है वहाँ पे मेरा किस तरह से कर्सर मूव कर रहा है। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है, अगर नहीं पता चल रहा है तो इसकी मदद से आप पता कर सकते हो कि आपका क्लोजिंग कहाँ पर मिस कर रहा है। ओके, तो इसकी मदद से फॉर्मेटिंग में आ चुका है। तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है? प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल की F का यूज़ करना है। ओके, अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आपको ध्यान से समझना है। और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, देखने के बाद आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो एंड नेक्स्ट मंथ में आप इसी डे के दिन अगेन प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको अपने कोड के साथ इसको यूज भी करना है, जिससे कि आपको रिमेम्बर हो जाएगा और बहुत आसानी से इसका यूज आप कर पाओगे। अब लेट्स कि आप ट्राई लिखते हो, तो जो अनदर वन है यही है कि आपको क्या करना है, स्निपेट ऑफ कोड ट्राई प्लस टैप करते हो तो आपको कुछ सजेशन वाले कोड होते हैं जो तुरंत आ जाते हैं। लाइक आपको लिखना है ट्राई, मैंने ये लिखा, उसके साथ मैंने टैप कर दिया, तो आप देखो क्या होता है, ये मेरा पूरा कोड लिख के आ गया, मुझे इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेम टू सेम आप इफ़ के साथ कर सकते हो, तो जस्ट मैंने इफ़ लिखा एंड इफ़ के साथ आपको यूज़ करना है टैब, तो मैंने कर दिया टैब। तो अभी आप देख रहे हो कि इफ़ के साथ ये भी आ चुका है इफ़, एंड उसके बाद आपको टैब का यूज़ कर देना है। ओके, लेट्स मूव ऑन अनदर वन, दैट इज़ द कमेंट कंट्रोल KC। तो कमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लेट्स सपोज मुझे ये लाइन कमेंट करनी है, तो जस्ट मैंने इसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप कहीं पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं या आप उसे अनकमेंट यहाँ से कर सकते हैं। बट अगर आप इसको शॉर्टकट की से करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक नहीं करना चाहते हो, तो जस्ट आप इसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल KC करते हो तो ये कमेंट हो जाता है। ओके, अब लेट सपोज आप इसको अनकमेंट करना चाहते हो, तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+U। तो आपको सिंपल याद करना है, तो आपको क्या करना है, Ctrl+U, तो जस्ट उसको सेलेक्ट करना है Ctrl+U। तो जस्ट इसको बहुत ही जल्दी, जहाँ पे आपको 1 सेकेंड लगना है, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो 1 से 2 सेकेंड लगने का चांस है, इससे आप 0.5 सेकेंड में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन अनदर वन, दैट इज़ द Ctrl+KS। Ctrl+KS का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? सो लेट्स सी,
अगर आपको जैसे कि मैंने बताया स्निपेट ऑफ कोड चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो टैब का। बट सपोज मान लो मैंने ट्राई के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे प्री डिफाइंड क्लास, प्री डिफाइंड एनफ, ये भी स्निपेट प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसका जो लिमिटेशन है वो थोड़ा इससे अलग है। लाइक आप यूज़ करते हो कंट्रोल के एस। अभी आ जाता है सराउंड विथ। सराउंड विथ जहाँ पे भी कोई चीज़ आप सराउंड करना चाहते हो कोड को, उसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक इतने सारे आप एक बार स्क्रॉल करके देख सकते हो। इफ का यूज़ कर सकते हो, रीजन का यूज़ कर सकते हो, चेक क्लास डू एल्स एनम फॉर ईच यूजिंग वाइल, इतने सारी को आप जनरेट कर सकते हो। लेट सपोज मैंने रीजन पे क्लिक किया तो अभी देखो रीजन आपका यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसका बहुत यूज ये होता है कि आप कुछ भी यहाँ पे कोड लिखते जाओ और जब भी आपको, और इस रीजन वाइज आपको पता रहता है कि आपने कहाँ पे कोड कौन सा लिखा हुआ है। लाइक यहाँ पे आपने इनपुट फील्ड डाल दिया, आपने यहाँ पे किसी बैकएंड से कोई काम कर रहे हैं लाइक क्लीन का या रिमूव का, डबल का, इस तरह से आप कोई भी रीजन बना के काम कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो कहने का मतलब कि है कंट्रोल के एस की मदद से आप कुछ और कोड स्निपेट को गेट कर सकते हो, कंट्रोल के एस। तो यहाँ से आप लेट सपोज मैं करना चाहता हूँ एनम, तो आप देखो कि एनम का मेरा पूरी तरह से यहाँ पे बन के आ चुका है। दैट इज द एल्ट शिफ्ट एंटर। अगर आपके पास ये विंडो है और इसको आप चाहते हो कि जो नीचे आपके दिख रहे हैं वो ना दिखें, तो आपको इसको क्या करना होगा, फुल वर्जन करना होगा। इसके लिए आपको क्या यूज करना है, अल्ट, इसका जस्ट आपको यूज करना है दैट इज द अल्ट शिफ्ट एंटर। सो अल्ट शिफ्ट इंटर। तो अभी आप देख सकते हैं फुल वर्जन आपको देखने को मिल रहा है। अगर बैक होना है तो अगेन अल्ट शिफ्ट इंटर। तो अभी हम लोग बैक हो चुके हैं। ओके लेट्स सी अनदर वन, दैट इज द बुक मार्क्स। सो बुक मार्क्स, जब भी हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं तो हम लोग अलग अलग लोकेशन पर बुक मार्क्स लगाते हैं ताकि हम दोबारा उन लोकेशन पर जा सकें। तो स्पेशली बुक मार्क्स भी ऐसे ही वर्क करता है। तो आपको क्या यूज़ करना होता है, कंट्रोल के। तो यहाँ आप देखो बुक मार्क यहाँ पे आ चुका है। ऐसे यहाँ पे अगर आप लगाना चाहते हो ट्राई पे, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, कंट्रोल के। अगर लेट सपोज इस बुक मार्क को आप हटाना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे जस्ट ओनली कंट्रोल के। तो ये हट गया है। अगर मैं यहाँ पे भी हटाना चाहता हूँ तो यहाँ भी हटाऊंगा, तो जस्ट कंट्रोल के कर देता हूँ और कंट्रोल के से ये हट जाता है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने बुक मार्क कहाँ कहाँ लगाया है, तो आपको क्या यूज करना है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल की एंड नेक्स्ट बुक मार्क को गेट करने के लिए, और ये प्रीवियस के लिए कंट्रोल के पी, तो इसका हम लोग यूज करते हैं। ओके तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। मूव आउट सेकेंड नेक्स्ट वन, दैट इज द मूव कोड। मूव कोड को यूज करने के लिए आपको जस्ट मैं सिंपल बताता हूँ। लेट सपोज एक कुछ कोड है जिसको मैं चाहता हूं कि यहां पे लेके आना। अगर मैं इतना कोड चाहता हूं नीचे लेके जाना, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा, तो जस्ट एक तरीका है कि आप इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। दूसरा तरीका है कि आपको इसको अल्ट पे क्लिक करना है, तो अल्ट यहाँ पे है, अल्ट पे क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट यहाँ पे मैंने कर लिया है, तो जस्ट आपको पूरा सेलेक्ट करना है। ओके एंड उसके बाद आप यहाँ पे एक बार क्लिक भी कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको इसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो जब भी आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आपका कोड आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो ऊपर कोड था हमारा वो आ चुका है। ओके ओके तो आपको समझ में आ चुका है आपको क्या यूज करना है। आपको यूज करना है अल्ट सेलेक्ट एंड देन ड्रैग कर देना है जिस कोड को भी आप करना चाहते हो। अगर आप मान लो इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, आप जस्ट इसे सेलेक्ट कर लो और आप अल्ट दबा के इसको सेलेक्ट कर लो। तो मैंने इसे कर लिया सेलेक्ट। अब एक बार मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जो आपका अप एंड डाउन का है, अप एंड डाउन एरो, तो उसका आप यूज करोगे अल्ट के साथ में।
तो अभी देखो इस तरह से आप कोड को मूव कर सकते हो अप एंड डाउन, जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हो। लेट सपोज इसे मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया। ओके, और लेट सपोज इसको आप, ये पूरा कोड है आपका, इसको आप कहीं और मूव करना चाहते हो तो जस्ट हम लोग इसको और ऊपर ले जाके यहाँ पे आप इसको रख सकते हो। तो इस तरह से आप कोड को मूव कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बता दिया है, अल्ट सेलेक्ट या सेलेक्ट नहीं करोगे तो भी वर्क करेगा, बट आपको एट प्रेस करके रखना है। अप एंड एरो का की यूज कर सकते हो। तो ये है, मैंने 10 शॉर्टकट कीज आपके साथ शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं किया सो प्लीज़ कनेक्ट मी एंड चेक आउट माई ब्लॉगिंग चैनल। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 और सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा शॉर्टकट की, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से प्रोडक्टिव वे में, फास्ट वे में काम कर पाएंगे विजुअल स्टूडियो के अंदर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।